नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के एनएच 233 बुढ़नपुर चौक से 500 मीटर दूर डिग्री कॉलेज मोड़ के समीप एनएच 233 की रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें बड़े गड्ढे हो गए हैं। रोड में पड़ी लोहे की बड़ी मोटी सरिया दिखाई दे रही है, जो लोगों को घायल कर रही है। साथ ही रोड पर चलने वाले वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर रही है, जिसके चलते आए दिन लोग गिरकर के चोटिल हो जा रहे हैं। बाइक और बड़ी गाड़ियां पंचर हो रही हैं। बता दें कि दिन में तो लोग किसी तरह से सफर कर लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उस स्थान पर प्रायः लोग गिरकर घायल हो जा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीघ्र ही रोड की मरम्मत नहीं किया जाता है तो हम ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अभी आरोप लगाया कि रोड का पूरा निर्माण किया नहीं गया, उसके पहले ही टोल टैक्स लिया जा रहा है। क्षतिग्रस्त वाहनों का मुआवजा चाहिए। अगर बड़ी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार एनएच 233 होगा। इस मौके पर रुद्र सिंह, शुभम यादव, संतोष, अशोक, मनोज, देवेश, अविनाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम सुनील कुमार, बुढ़नपुर, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़, एनएच 52। अच्छा, एनएच 233 ये करीब 6 महीने से टूटा। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ पे करीब 30 से 35 दुर्घटना हो चुकी। बाइक, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक, कई एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है। ये टूटा है करीब लगभग हो गया 6 महीने से ऊपर हो गया। शिकायत हुई थी लेकिन ये बना नहीं। मतलब इस पे बड़े वाहन भी चलते हैं, छोटे वाहन चलते हैं, आए दिन डे नाइट चलते हैं इस पे। दुर्घटना किसके साथ हुई? दुर्घटना कई लोगों के साथ हुई है। ले जाके हम लोग खुद ही एडमिट कर किए हैं। यहाँ पे चिकित्सालय यहाँ पे है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आपके साथ भी हुआ? मेरे साथ भी यहीं पे हुआ था। मुझको यहाँ पे चोट लग गई थी बिल्कुल, यहाँ ओट भी फट गया था, सब कुछ हुआ है। कैसे? ये गड्ढे की वजह से। मैं बाइक से जा रहा था, मेरी रिम जो है इसे गड्ढे में फंस के बिल्कुल दब गई। दबने के बाद मेरा भी यहीं पर दुर्घटना हुआ था। यही स्थान है, यही प्लेस। रंगदारी मांगने की घटना का गंभीर पर पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। बता दें कि वादे मुकदमा ने गंदर लेने के लिए अपने ही दो लोगों से षड्यंत्र के तहत रंगदारी व गंभीर घटना का कार्य करने की धमकी अपने फोन पर दिलवाई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। बता दें कि डॉक्टर संतोष कुमार जो वादी हैं, निवासी खरेला थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ ने थाना गंभीरपुर शिकायत किया था कि वादी कई स्वीकृत संस्थानों का प्रबंधक और मैनेजर है और 9 दिसंबर को लगभग 1:30 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आया और 10 लाख रुपये की मांग की गई तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बाद में मालूम चला कि वादी था उसने इसलिए किया था, गंदर उसको की आवश्यकता थी और इसलिए वो रंगदारी मांगने का एक पुलिस प्रशासन को गुमराह किया था और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ के महाराजगंज से, जहां जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई है। वहीं एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अभियुक्त व उसके साथी घर द्वारा वादी मुकदमा की बाउंड्री गिरा देना तथा मना करने पर वादी व वादी के भाई को धारदार हथियार, सरिया, डंडा एवं पिस्टल दिखाकर बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया व सर फट जाने से उस बेहोश हो जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 461/2022, 147, 148, 323, 308, 327 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। आपको बता दें कि आशुतोष मित्रा में हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त में संबंधित सूरज पुत्र रविंद्रनाथ सिंह चरुंगा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को सुहेल देवगंज मोड़ से करीब 12:30 बजे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का चलान माननीय न्यायालय किया गया है। थाना महाराजगंज क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि 9 तारीख घटना है, जिसमें ट्रैक्टर से व्यक्ति खेत जोतते हुए दीवार गिराने का वीडियो है। इस संबंध में 9 तारीख को पैमाइश के बाद महात्वर सिंह और उसके परिवार के लोग ट्रैक्टर से जमीन जुताई कर रहे थे और जुताई के बाद दोनों के बीच स्थित दीवार को महात्वर सिंह द्वारा गिरा दिया गया, जिसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और उसमें एक मारपीट भी घटना हुई है। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों ने तहरीर दी है, जिस पर थाना महाराजगंज पर आवेदक अरुण सिंह की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 461/22 तथा माधवर सिंह की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 460/22 कायम है। सुसंगत धाराओं में इसमें एक गिरफ्तारी की जा चुकी है
और अन्य विधिक कार्रवाई और विवेचना की जा रही है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर जमुआ के किसान और खिरिया बाग आंदोलन के स्तंभ सुभाष उपाध्याय का निधन है। आपको बता दें, आजमगढ़ हम लोगों के साथ रहने वाले बड़े यहाँ जमुआ के किसान और खिरिया बाग आंदोलन के स्तंभ सुभाष उपाध्याय जी को हवाई पट्टी में जाने के सदमे जमीन जाने के सदमे में शहीद हो गए। वहीं आंदोलित कमेटी के अध्यक्ष रामनयन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सुभाष उपाध्याय जी हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने में और जमीन को बचाने में उनके अधूरे सपने को साकार करने के लिए आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम लोग अपनी लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। आजमगढ़ में ज्ञान सुखा टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय रैदोपुर आजमगढ़ पर ज्ञान सुखा के बीरू चीफ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि पीजीआई के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के पटेल ने केक काटकर शुभारंभ किया। रक्तदान में काफी संख्या में पत्रकार एवं समाजसेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वह जितेंद्र मौर्य ने माला पहनाकर दिल की गहराइयों से स्वागत किया और लोगों को मिठाइयां भी बांटी। वहीं पीजीआई चक्रपानपुर से चलकर आए डॉक्टर वी के पटेल ने लोगों को बताया कि प्रत्येक आदमी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान महादान होता है। रक्तदान करने से रक्त की कमी नहीं होती है, रक्त बनाने की इंद्रियां और तेजी से काम करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक स्वस्थ इंसान कम से कम 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। पत्रकार एवं समाजसेवी जितेंद्र मौर्य ने शिविर में जिन लोगों ने रक्तदान किया उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित किया और कहा कि हमारी संस्था लगातार समाज सेवा काम करती रहेगी। और साथ ही आजमगढ़ ब्लड बैंक टीम को भी धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से लगातार रक्तदान का कार्यक्रम सफल किया जा रहा है। सर, अपना परिचय बताइए। मैं जितेंद्र मौर्य पत्रकार, ज्ञान सिखा टाइम्स दैनिक अखबार से, अपने कार्यालय पर आज 12 दिसंबर को हमारे ब्यूरो चीफ हैं जितेंद्र मौर्य, राजनामा हमारे हैं जी। उनके जन्मदिन पे आज रक्तदान शिविर लगाया गया है जी, अपने कार्यालय पे रैदोपुर दुर्गा मंदिर के पीछे ऑफिसियल कॉलोनी में जी। उस उपलक्ष्य में अपने ब्यूरो चीफ साहब के खुशी पे, जन्मदिन की खुशी में हम लोग रक्तदान का शिविर लगवाए हैं और रक्तदान स्वेच्छा से कर रहे हैं। यह रक्तदान करना गलत चीज नहीं है, हर इंसान को कम से कम एक बार, दो बार, कम से कम दो बार तो साल में रक्तदान करना ही चाहिए। उससे रक्त की कमी नहीं होती है और नहीं तो शरीर में जो है रक्त बनाने वाली इंद्रियां और तेजी से काम करती हैं और रक्त का जो है संचार सुचारू रूप से होता रहता है। थैंक यू सर। सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजबतगढ़ कस्बा में व्यापारियों पर जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। वही छापेमारी के विरोध में कस्बे में दुकानें बंद रहीं। अजबतगढ़ कस्बा में जीएसटी टीम की जगह जगह हो रही व्यापारियों पर छापेमारी के विरोध में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दुकानें बंद रही। दर्जनों की संख्या में व्यापारियों ने शंकर तिरुमानी पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वही अजबतगढ़ कस्बे का भ्रमण कर नारेबाजी करते हुए अजबतगढ़ चौक पर जुलूस समाप्त हुआ। वही जैनपुर नगर पंचायत में सभी मार्गों पर व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें जीएसटी टीम की छापेमारी के विरोध में बंद किया। वही जैनपुर नगर पंचायत चौक पर व्यापारियों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए कस्बे का भ्रमण किया। क्षेत्र के लाटघाट बाजार सहित अन्य बाजारों में भी छापेमारी के विरोध में दुकानें बंद रही। शाम के समय सभी बाजारों में कुछ दुकानें खुली। वही जीएसटी टीम की छापेमारी को लेकर बाजार में तरह तरह की चर्चा होती रही। अजमतगढ़ कस्बे में व्यापार मंडल अध्यक्ष अजमतगढ़ ब्रिजेश जायसवाल, प्रतोष जायसवाल, कन्हैया अग्रवाल, रितेश जायसवाल, रामधनी वर्मा, सर्विस जायसवाल, आलोक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अजमतगढ़ कन्हैया अग्रवाल, महामंत्री। क्या मामला है? सड़कों पर टहल रहे और अपनी दुकानों को बंद रखे हैं। हम लोग का मामला यही है कि जीएसटी वाले हर बाजार में जाके, और अजमतगढ़ बाजार में तो अभी नहीं आए हैं लेकिन आने की संभावना, जितने भी दुकानदार हैं सब भाग रहे हैं, सब लोग बंद कर रहे हैं दुकान, दहशत, सब लोग दहशत में है। इसका क्या क्या इसका रीजन है, इसको पता चलना चाहिए। क्या चाहते हैं आप व्यापारी? हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम जो भी आवे तो व्यापार मंडल के यहाँ बैठ के, अध्यक्ष के यहाँ बैठ के वो बतावे कि ये हैं, चाहे जिसको नहीं पता है क्या उसके विषय में जानकारी है उसको जानकारी के बतावे। अगर उस दायरे में आते हैं तो उनका जीएसटी करवावें। जिस तरह से पूरे जनपद में कार्रवाई चल रही है जीएसटी की, क्या दहशत में व्यापारी है? पूरे आजमगढ़ जिला में दहशत का सुनने में आ रहा है, पूरे जिले में दहशत की व्यापारी नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम पारितोष जायसवाल, मैं ब्रिजेश कुमार जायसवाल व्यापार मंडल अध्यक्ष का छोटा बड़ा बेटा हूँ। क्या मामला है? आप लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, दुकानों को बंद रखे हैं। भैया, लोग और व्यापारी हमारे जो भी हैं अजमतगढ़ के और ये पूरे जिले के, वो सारे परेशान हैं जीएसटी के फालतू वसूली से। लोगों का, जिस लोगों को, छोटे लोग हैं जिसको पता नहीं है किस दायरे में आते हैं, सरकार को पहली चीज़ उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए, अपनी बातें रखने का एक मौका देना चाहिए। जो लोग अनपढ़ हैं, जिस चीज़ को जीएसटी के बारे में नहीं पता है उसकी कौन सी धाराएं हैं, किस चीज़ में
कौन सी किसके ऊपर जीएसटी लगेगा, किसको कितना जीएसटी जमा करना है, ये चीज़ों का एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, उनकी बातें उनके तक पहुँचनी चाहिए। 15 दिन से बेचारे व्यापारी लोग दुकान बंद करके सो रहे हैं, घरों में परेशान है, जो 100-200 रुपए कमाने वाले हैं वो ऐसे ही परेशान है। 2 साल से कोविड चल रहा था, उसमें सरकार की तरफ से आपने देखा ही है, 2-2 साल तक दुकान बंद है और इतना परेशान हो रखा है लोग, भूखमरी है शिका और नौकरी नहीं मिल पा रही है, इस तरह से चीज़ें परेशान हो रहे हैं लोग। मेरा नाम डॉक्टर राजदीप राय है, मैं आशादीप हॉस्पिटल के जो है संस्थापक हूँ। सभी लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि जितने भी व्यापारी हैं सभी परेशान हैं और सबका जीएसटी के नाम पे शोषण हो रहा है। बहुत से व्यापारी हैं जीएसटी का जी नहीं जानते हैं यहाँ पर, और सबको बेमतलब में शोषण किया जा रहा है। कम से कम जीएसटी विभाग की टीम जो है आ करके कुछ व्यापार मंडल के पास बैठे, कुछ व्यापारियों को उसके बारे में अवगत कराए कि करना क्या है इसमें। बस ऐसे क्या है कि डायरेक्ट टीम आ जाती है और उसके बाद जो है आप ये निकालिए वो निकालिए, उसके नाम पे धन उगाही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल से सारे व्यापारी परेशान थे, दुकान बंद थी, ऐसे फरार थे कोविड में, तो पहले ही तो हालत ख़राब हो गई 2 साल। अब कुछ लगन का टाइम है, कुछ कमाने का, कुछ धंधे पाने का टाइम है, तो अब इस टाइम में फिर से नौटंकी चालू हो गई जीएसटी की सरकार। खबर आपको महानगर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर जीएसटी टीम के खौफ से महानगर कस्बे में दुकानें बंद रही। वहीं आपको बता दें महानगर में जीएसटी टीम की सूचना सोमवार को करीब 2 बजे जैसे ही व्यापारियों को लगी कि सभी दुकानदारों ने शटर धराधड़ गिरा दिए। कस्बे में जीएसटी की टीम आने की अफवाह से कपड़ा व्यवसायी, जनरल स्टोर, किराना, सर्राफा की दुकानें, मेडिकल स्टोर सहित अन्य कारोबारियों की दुकानों पर शाम 4:30 बजे तक खौफ दिखा। कस्बे में मात्र चाय पान के अलावा सब्जी की दुकानें खुली रहीं। वहीं बाजार में आए ग्राहकों ने बोला कि जब ये लोग जीएसटी बिल के नाम पर कपड़ा सर्राफा कारोबारी जब महंगा सामान बेचते हैं जिसका भरपाई ग्राहक करता है, तो व्यापारी दुकानें क्यों बंद रखें, जिसकी चर्चा ग्राहकों में बहुत तेजी से रही। आजमगढ़ में व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा कुट्टू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जीएसटी विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डाल रहे हैं और व्यापारियों का भारी उत्पीड़न कर रहे हैं। इन छापों से व्यापारी आतंकित है और भयभीत है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत लाखों व्यापारी एवं सेवा प्रदाता लगातार सरकार की बिक्री के अनुसार जीएसटी कर बढ़ा कर दे रहे हैं, जिसकी खबरें प्रतिमाह अखबारों में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित कराई जाती है। इसके बाद छापे डालने का कोई औचित्य नहीं है। जीएसटी विभाग के इन छापे पर रोक लगाया जाना नितांत आवश्यक है। हम सभी यह मांग करते हैं कि जीएसटी विभाग के इस अनौचित्यपूर्ण छापों पर रोक लगाया जाए, जिससे व्यापारी भयमुक्त होकर व्यापार कर सके व देश के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इस ज्ञापन में मनोज बर्नवाल, अनिल शुक्ला, रामू वर्मा, विजय शंकर सिंह, साहित कमल खान, गजेंद्र वर्मा व्यापारी उपस्थित रहे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष, स्वर्णकार समाज जिलाध्यक्ष, सर्राफा एसोसिएशन जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा और घुट्टू सेठ। आज किस लिए जिलाधिकारी? आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं जीएसटी के विरोध में, जो जगह जगह हम जीएसटी के विरोध में नहीं, हम जगह जगह छापे पड़ रहे हैं, जगह जगह जो है व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। पूरे ज़िले में आज 10 दिन से लगातार जो है रोज़ कहें, आज देखिए पूरे ज़िले में छापा कार्रवाई चल रही, व्यापारी एकदम त्रस्त है। जब व्यापारी जीएसटी दे रहा है, व्यापारी जब टैक्स दे रहा है सरकार को, सरकार बार बार प्रशंसा कर रही है कि व्यापारी टैक्स दे रहा है, हमारा भंडार भर रहा है टैक्स से, तो फिर क्यों आखिर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जाता है? व्यापारी हमारा जो है जब अपने टैक्स देने के लिए तैयार है, आप जान लीजिए कि 8-8 गाड़ी 10-10 गाड़ी के साथ फोर्स पहुँच जा रही है। जब हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स से जब सरकार खुश है, तब क्यों व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न किया जाता है? हमारी सरकार से मांग है, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय वित्त मंत्री से, कि जो छापेमारी है इसको रोका जाए। हम व्यापारी टैक्स देने के लिए तैयार, व्यापारी टैक्स दे रहे हैं, इसको आप रोकिए, इसको आप बंद करिए। हम व्यापारी खुद टैक्स देने के लिए तैयार हैं। अभी तो हमारे अधिवक्ता नहीं जान पा रहे हैं कि किस ढंग से कानून बना है और किस तरह इसको लागू करना है। जो हमारे अधिवक्ता नहीं जाने, हमारे व्यापारी क्या जानेगा? हमारे व्यापारी कम पढ़े लिखे हैं, उसमें ज़्यादातर व्यापारी कम पढ़े लिखे हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। जो अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अधिकारी से मिला है कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, वित्त मंत्री जी को भेज रहे हैं, वहाँ से जल्द हम अपनी ज्ञापन देखें भेज देंगे और उसके बाद देखें क्या कार्रवाई होती है।
अधिकारी तो अपना ज्ञापन भेज देगा, उसका काम है भेजना, भेज देगा। इसके पहले हम 3 दिन पहले हम फैक्स भी कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब व्यापारी का उत्पीड़न रुकना चाहिए, हमारी यही सरकार से मांग है, हमारा कोई विरोध नहीं उत्पीड़न। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्या होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम व्यापारी अपने व्यापार मंडल की मीटिंग करेंगे। आज हमारी व्यापार मंडल के सर्राफा के स्वर्णकार समाज की मीटिंग है, उस पर जो निर्णय आगे होगा हम उसको निर्णय लेंगे, लेकिन इसको बंद करें। हमारी विनती है मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से, आप जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे वित्त मंत्री जी हैं, लेकिन इस व्यापारियों का उत्पीड़न बंद किया जाए, अधिकारियों द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है। आजमगढ़ में मानवाधिकार दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से आजमगढ़ के वर्तमान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग ग्यारे को आजमगढ़ सुचारू रूप से कानून व्यवस्था के प्रति समर्पित आस्था कायम रखने व जिले में शांति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग ग्यारे को स्मृति चिन्ह व बुके फूलमालाओं से संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर गोविंद दुबे, जितेंद्र कुमार एडवोकेट, अरुण चौरसिया, अमित राय, भानु सिंह, अरविंद शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, विक्रम राणा आदि लोग उपस्थित रहे। मैं लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद। हमने वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय अनुराग आर्या साहब का, हम पूरे कमेटी के लोग मानवाधिकार की तरफ से उनका स्वागत इसलिए किए कि जब से ये आजमगढ़ में आए हुए हैं तब से शांति व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। हम देख रहे हैं कि आए दिन अगर कहीं भी कांड हो रहा है तो वहां तुरंत ये कार्रवाई करके तुरंत कुछ मौके पर ये खुद पहुंच करके थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को जो है बहुत ही कानूनी तरीके से सख्त आदेश दे करके आरोपियों को गिरफ्तार करवाते हैं और कानूनी प्रक्रिया को लेकर के उसको सजा भी दिलवाने का काम करते हैं। आजमगढ़ के विकासखंड अतरौड़िया की भगतपुर गांव निवासी राहुल मौर्य ने जिला पंचायत राज अधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था, जिसमें घर के सामने एक पुराना कुआं जो जमीन से लगभग 2 फीट ऊपर है उसे जमीन के बराबर करके कुएं के ऊपर आरसी से ढक्कन लगाने का अनुरोध किया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में सहायक विकास अधिकारी अतरौड़िया द्वारा जांच कर तथा दोनों पक्षों को देखने और सुनने के बाद कुएं को जमीनी स्तर पर आरसी से ढककर जाले का निर्माण कार्य होता जनहित में सार्वजनिक लाभ भांश प्राप्त होता है, जिसको संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया कि जनहित व सार्वजनिक कार्य के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सुनिश्चित करें, यदि कार्य में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो आवश्यक पुलिस बल का सहयोग लेकर कार्य सुनिश्चित कराए, किंतु जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश के बावजूद भी अभी तक कुएं पर ढक्कन का कार्य नहीं किया गया। वहीं इस संदर्भ में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे ने बताया कि सचिव को तत्काल कुएं को ढकवाने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि कुएं की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो कि जनहित कार्य है। सचिव को आज ही भेजकर पैमाइश करा दी जाएगी और सचिव को यह भी निर्देश दिया गया है कि इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करे उसके खिलाफ तत्काल स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज कराएं। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी और एडीओ पंचायत ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम सोनू मौर्य, गांव भगतपुर, गांव में हमारे कुआं है, यह रास्ते में भी है, इसको ढकवाना जरूरी है, जमीन के बराबर, रोड बराबर, ठीक है ना, बीच में 1 फुट कहीं जाली खोल दिया जाएगा, सब जगह से आदेश है या ढका नहीं जा रहा, 2 महीने से ऊपर हो गया और झगड़ा, और जो है आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, 2-3 बार किसी को निकाला भी गया है, या जमीन स्तर बराबर ढका जाए, बीच में एक फुट जाली कहीं खोल दिया जाएगा जहां गांव पंच कहेगा। चलो, मेरा नाम उमेश मौर्य, ग्राम भगतपुर का निवासी हूं, और मेरे गाँव में एक रास्ता है जिसमें 2.5 फीट कुआं आता है, रास्ते के किनारे पे कुआं है, 2.5 फीट लगभग रास्ते में आ जाता है, और जिस पे ढक्कन ढलने के लिए DPRO साहब का आदेश 6/9/2022 को मिला था, और उस आदेश का अभी तक ना प्रधान ना अन्य कर्मचारी कोई पूर्ण नहीं कर पाए। अब मतलब DPRO साहब का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, और वो कुआं ढका जाए ताकि लोगों को सुविधा हो, असुविधा झेलनी पड़ रही है। पंचायत अधिकारी द्वारा एक आदेश हुआ था भगतपुर गांव में कि कुएं पे ढक्कन लगा, उसके बारे में आदेश काफी दिन हो गया, अभी तक क्या हुआ इसके बारे में? ग्राम पंचायत भगतपुर में राहुल मौर्य पत्रकार के सामने एक कुआं है और बहुत दिनों से बहुत पुराना कुआं है, उससे गांव के लोग पानी भी पीते थे, और उसको जो है अब राहुल मौर्य खुद जो है उसको ढक्कन लगवाना चाहते हैं, जो अन्य गाँव के लोग कहते नहीं ढक्कन नहीं लगेगा,
और इसमें जालीदार जो है लोहे का छड़ लगा दिए जो कि पानी के संरक्षण के लिए भी काम करेगा। मेरे द्वारा स्वयं उस गांव में गया और राहुल मौर्या पत्रकार भी थे, अन्य लोग भी थे और पंचायत भी हुई पंचायत में, लेकिन मामला कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। और मेरे स्तर से आर्डर भी किया गया है प्रधान सचिव को, जिसे लोहे की जाली अन्य सामग्री गिर गई है, लेकिन आपसी विवाद होने के कारण वो जो है कुआं का ढक्कन नहीं लग पा रहा है। जिला पंचायतकारी ने आदेश किया था अगर जरूरत पड़े तो पुलिस बल के साथ उसके ढक्कन दिया जाए। ये उनके तो आदेश के बारे में अब तो गांव पंचायत कार्यदायी संस्था प्रधान और सचिव चाहें तो तुरंत अपना उसमें हम लोगों के द्वारा पत्र भी जारी किया गया कि अगर फोर्स की जरूरत हो तो आप ले सकते हैं फोर्स। क्या दिक्कत हो रही सर अभी? अब तो उनके स्तर पर बार बार यही कहा जा रहा है कि जो सर वहाँ विवाद हो जाएगा, बड़े पैमाने विवाद हो जाएगा, क्योंकि गांव के अन्य लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं इसमें आरसीसी ढक्कन न लगे, जाली द्वार जो है ढक्कन लगे, और राहुल मौर्या पत्रकार चाहते हैं कि आरसीसी ढक्कन लगे। इसके लिए सर जो आगे विवाद हो रहा है तो आगे आपके विभाग या आगे क्या? अब तो फोर्स बल की आवश्यकता है, फोर्स बल वो चाहे ले सकते हैं आवश्यकता पड़े निर्माण में। ठीक, ओके, धन्यवाद। आजमगढ़ की निजामाबाद नगर पंचायत निजामाबाद मोहल्ला फरहाबाद जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी वैदिक कर्मकांड के प्रकांड विद्वान पंडित कृपा शंकर मिश्र के चुपोत्र पंडित सुमा मिश्र शास्त्री को काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में मुख्य अतिथि पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र व वर्तमान संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा द्वारा शास्त्री ऑनर्स की उपाधि से अलंकृत किया गया। शुभम मिश्र वर्तमान में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्य द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, जैसा कि पूर्व में बाबा जी स्वर्गीय पंडित अंबिका दत्त मिश्र शास्त्री जी द्वारा यह उपाधि परिवार में प्राप्त हुई थी। उसी पारिवारिक परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। उपाधि प्राप्त होने के बाद से ही क्षेत्रीय लोगों के द्वारा फोन मैसेज के माध्यम से शुभकामना मिलना शुरू हो गई है, जिससे बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। आजमगढ़ जिले के ब्लॉक जहानागंज के ग्राम सभा निवासी राकेश सिंह को आजमगढ़ जिले का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत में एक रजिस्टर्ड संगठन है जो भारत के समस्त जनपद में कार्यरत है। जिनकी सूचना मिलते ही समस्त शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई। टेलहुआ निवासी राकेश सिंह से मिलने के लिए उनके शुभचिंतकों का तांता लग गया और खुशी में मिठाइयों की बरसात की गई और पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई।